हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद मीनाक्षी वाशने। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि 10th क्लास का टॉपिक है एनसीईआरटी का। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि वीडियो डालूँ मैं आप तक पहुँचती रहें। तो आइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझते हैं क्या है। लोगों को जाना ज़्यादातर ये बहुत टफ लगता है, लेकिन ऐसा टफ है नहीं है। अगर आप तरीके से पढ़ें तो सबसे इजी पैटर्न है ये, ये इजी टॉपिक है मैथ्स का। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनका यूज़ हम ना एंगल्स की वैल्यू निकालने में करते हैं। जैसे कि आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। सबसे पहला आएगा आपका साइन, दूसरा आएगा कॉस, टेन कॉट, सेक और ये कोसेक। ये 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इनकी हेल्प से हमें सारे एंगल्स के बारे में पता पड़ेगा कि किस तरीके से किसकी कितनी वैल्यू होगी। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस में यूज होंगे आपको समझ में आएगा। पहले मैं आप बता देती हूँ। देखिए साइन जो होता है वो होता है 1/cos, सॉरी कोसेक। इनके रेसिप्रोकल 10 कॉट का रेसिप्रोकल होता है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है और साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो आप साइन को 1/cosec लिख सकते हैं, कॉस को 1/sec लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया इसका रेसिप्रोकल है। 10 को आप 1/cot लिख सकते हैं, कॉट को 1/10, सेक को 1/cos और 1/sin। थोड़ा नॉइस प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज आप यहाँ देखिए 10 को 1/cot लिखा हमने, ये 1/cos लिखा और ये 1/sin, ठीक है। अच्छा अब हम बात करें 10 की, तो 10 को जैसे मैंने 1/cot लिखा है, लेकिन इसे अगर आप चाहो sin और cos की फॉर्म में लिखना, तो इसे आप sin/cos लिखेंगे। और जैसा कि इसका उल्टा होता है तो आप यहाँ कर सकते हैं cos/sin। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कि किस तरीके से किसका कहाँ यूज़ हो रहा है। तो इन्हें आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, किसे 10 और cot को, ओके। नाउ इनका यूज़ कैसे होगा वो भी हम बताते हैं कि किस में कि ये मैंने क्यों लिखा 10 को sin/cos या cot को sin/cos या cos/sin, मतलब ये सारी चीज़ें क्यों लिखी। ऐसा होता है कभी कभार क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होता है कि इनकी वैल्यूज़ पूछी जाती हैं आपसे, कि आपको आंसर जैसे 10 में दिया हुआ है और आपको आंसर देना है साइन और कॉस की फॉर्म में, तो वहाँ आप ये पैटर्न लगा के चलेंगे। तो इस वजह से ये किया गया है। आगे मैं आपको एक क्वाड्रेंट वाला पार्ट बता दूँ, फिर उसके बाद मैं इनकी वैल्यूज़ बताऊँगी कि जैसे आपने देखा होगा 0° की वैल्यू है ना, 30° की वैल्यू, और यहाँ मैं थीटा लगा दे रही हूँ जो कि एंगल होंगे। यहाँ थीटा आप कुछ एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ थीटा से शो कर ले रही हूँ ये सारे एंगल्स को, ये सारे एंगल्स को हम थीटा से शो कर ले रहे हैं। आप चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो, बहुत सी जगह एक्स भी लिया जाता है, ए भी लिया जाता है। तो ये एंगल्स होंगे, इनसे हमें ऐसा कुछ नहीं कि आपने थीटा ही कर लिया, कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि एंगल है। जैसे ये 0°, 30° है ना, 45° और 60°, 90°, 180, तो ये सारे एंगल्स होंगे। तो आइए पहले मैं आपको ये बता दूं इसमें क्या होता है। इसे आप बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे आप बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, साइन कॉस टेन कॉट से कुसे, ये 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो आपके, ये 6 पॉजिटिव होंगे। कैसे, साइन कौन कौन से लिख देते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और ऊपर लिख दे रही हूँ कुसेक को, कुसेक, ये सारे ही पॉजिटिव होंगे, ऑल आर पॉजिटिव। किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट की मैं बात करूँ तो सिर्फ साइन और आपके कुसेक ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे बस, और इसमें जो भी आएंगे सब नेगेटिव होंगे। अब कैसे आएंगे वो भी आपको पता पड़ेगा।
सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ जा रहा है। तो इस तरीके से थर्ड की मैं बात करूं तो इसमें आपके टेन और कॉट ये दो ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। ओके, ये पॉजिटिव को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। और फोर्थ की मैं बात करूं तो यहाँ पे कॉस और सेक सिर्फ ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ओके जी, तो ये मेरे क्वाड्रेंट्स का था कि कौन सा किसमें क्या पॉजिटिव होना है। अभी ना एक चेंज होते हैं तो वो भी मैं अपना अगले वीडियो में अगले उसमें पेज पे दिखाऊंगी। और नेक्स्ट अभी हम क्या देखेंगे कि 0 डिग्री, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन सब की क्या क्या वैल्यूज होती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ। तो आइए हम देखते हैं हम इन सारे एंगल्स की कितनी कितनी क्या क्या कैसी वैल्यू है। देखिए आपको ना ये सारा ना रटना नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर क्या होता है कि लोग कह देते हैं कि आपको ये याद करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा याद करने जैसा कुछ पैटर्न है ही नहीं है। आपको बस कुछ ही वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी, कुछ ही, उसके अलावा पूरा टेबल आपको एज इट इज अपने आप से याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है वो वैल्यूज। सबसे फर्स्ट आपको याद करना पड़ेगा साइन जीरो, जो कि होती है जीरो। साइन जीरो की वैल्यू क्या, अब इनका यूज भी होगा एक क्वेश्चन, जब मैं इन सारी वैल्यूज को लिखने के बाद इनका कैसे यूज होना है वो भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन लेके दिखा दूंगी। पहले मैं इस वैल्यूज को पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। साइन जीरो की जीरो होगी अपनी, साइन थर्टी की होगी अपनी 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की 1। देखिए पहले मैं आपको 90 तक की वैल्यूज लिख के दिखाऊंगी, सिर्फ 90s तक की, और उसके बाद 90 के बाद ये आपको अपने आप से याद हो जाएंगे, टेंशन वाली बात ही नहीं होगी। क्या कैसे और वो देखिए, मैं अभी पार्ट बना दे रही हूँ इसे, थोड़ा आपको इजी पड़े उसके लिए बनाया मैंने बस। चलिए, जो साइन के इस तरीके से ये साइन की वैल्यू हो गई, साइन जीरो की जीरो, 30 की 1/2, 1/√2, √3/1। अब क्या करें, ये पलट के लिखते हैं, जो साइन 90 की होगी वही कॉस जीरो की हो जाएगी। तो पीछे से स्टार्ट करते हैं, 1 ये आ जाएगी यहाँ √3/2। ओके, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ जो 90 की होंगी ये, और यहाँ ये 60 वाली आ जाएंगी, 45 का तो है ही है, ये 30 वाली आ गई और ये फिर से जीरो वाली आ गई अपनी। तो इस तरीके से इनकी पलट की वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, तो जैसे देखिए 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और ये जीरो, कोई कंफ्यूजन। चलिए एक है आपका, एक तो आपको ये याद करना पड़ेगा साइन की वैल्यूज सिर्फ, उसके बाद आपको क्या याद करना पड़ेगा, एक टेन का याद करना पड़ेगा। सबसे पहले टेन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, उसके बाद 1/√3, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे, 1 लिख दिया और ये √3 लिख दिया, लिख दिया, ये आ गया अपना नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी आप बोल सकते हैं। ओके, नाउ अब मुझे जैसा कि पता था, मैंने अभी बोला था ये पलट के लिखना है, तो वापस ये पलट के लिख दीजिए, इन्फाइनाइट यहाँ पे आ गया अपना, √3 यहाँ आ गया, 1/√3 ये हो गया। और अब अगर आप यहां देखें तो ये जीरो, ओके जीरो। चलिए जीरो की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो अभी मैंने इसी को पलट के लिखा हुआ है सारी वैल्यूज, मैंने कुछ नहीं नया किया, मैंने सिर्फ इसी को पलट के लिख दिया है। ओके, नाउ अब आप क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो कॉस और सेक है दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो अगर कॉस का उल्टा है, अगर आपको ये इसका उल्टा करना है तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, 1 हो गया। उसके बाद इसे पलट के लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, 2/√3। वैल्यूज मैंने अभी याद नहीं की, सिर्फ मैंने एक ये वैल्यू याद करी थी और एक ये वैल्यू याद करी थी, बाकी सारी वैल्यूज अपने आप से आ रही है, मैंने कुछ याद नहीं किया होगा। ना कहाँ थे, 2/√3 हो गया, इसका उल्टा करेंगे तो √2 हो गया, इसका उल्टा करेंगे 2 हो गया, इसका उल्टा देखिए 0/1, 1 और 0/1 का उल्टा कर देंगे तो 1/0, जो कि हो जाएगा इनफाइनाइट। ओके, तो ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा कि इन्फिनिटी कैसे आया, तो उस तरीके से इन्फिनिटी आ गया मेरा। नाउ जैसे हम इसका उल्टा करते हुए लिखते चले जाते, आप चाहो तो इसका कर सकते हो उल्टा, या इन्फिनिटी आ गया, 2 आ गया, √2 आ गया, √3/2 आ गया और ये 1 आ गया।
देखिए आप बोलोगे कि अब हम कैसे याद करेंगे, पहले तो आपने वैल्यूज याद करें। आप बार बार जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके माइंड में ना अपने आप से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए भाई 1045 की वैल्यू क्या होगी, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 1, है ना। और अगर आपसे पूछ लिया जाए cot 45, तो हमें पता है कि वो इसका उल्टा है, तो वो वहाँ पे भी 1 हो गया। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। और आपसे जैसे पूछ लिया जाए कि cosec 60 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे 2/√3। सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा वो हो गया है, तो 2/√3 आप कर सकते हैं, 2/√3, क्योंकि हमने इसी का उल्टा। तो जैसे जैसे आप माइंड में 2 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये बहुत ईजी पड़ जाएगा, और क्वेश्चन में यूज करेंगे फिर तो आप क्या ही बात है। अब हम बात करेंगे इसकी, हमने 90 तक तो वैल्यूज देख ली, ये देखेंगे कि ये वैल्यूज इनकी कैसे निकल जाएंगी। आपने ये वैल्यू अच्छे से कर ली, तो ये वाली 2 मतलब बहुत इजी है कि इसे ना तो आपको याद करना है ना कुछ। तो चलिए कैसे देखते हैं। आपको ध्यान हो, मैंने अभी एक क्वाड्रेंट के बारे में बताया था, तो उसमें था कि सेकेंड क्वाड्रेंट जिसमें साइन और आपके कोसेक यही 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है। और आपको ये भी पता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो 90 से 180 के बीच में आता है, आता है ये वाला पार्ट 90 से 180 के। अब मैं 90 से 180 की बात क्यों कर रही हूँ, इस वजह से कर रही हूँ कि यहाँ ये जो सारी वैल्यूज हैं 90 से 180 के बीच में आ रही हैं, तो जिसमें साइन और कोसेक ये 2 ही आपके सिर्फ पॉजिटिव होंगे। कौन कौन से? एक तो साइन पॉजिटिव होगा और एक कोसेक पॉजिटिव होगा, इनकी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, अदरवाइज सब वैल्यू नेगेटिव, खत्म, बस लिखना ही लिखना है। और ध्यान रखिए एक चीज और, जो 60 की वैल्यू होगी वो 120 की वैल्यू होगी, ओके। जो 45 की वैल्यू होगी वही आपकी 135 की वैल्यू होगी, जो 30 की वैल्यू होगी वो आपकी किसकी हो जाएगी, 150 की, और जो 0 की वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी 180 की वैल्यू। आप चाहो तो मैं यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ इसी की वैल्यूज को, यहाँ लिख दीजिए आप अपनी 60 की वैल्यूज, यहाँ 60 की वैल्यूज कर दीजिए, ये देखो ये 60 की वैल्यूज के जैसा हो जाएगा, ये आपका 45 की वैल्यूज के जैसा हो जाएगा, ये 30, और ये आपका हो जाएगा 0 डिग्री। तो बस वैल्यूज आपको लिखनी है और ज्यादा कुछ नहीं करना। देखिए ये 1 था, 1 तो ये तो हमने बीच में रखा है, √3/2 लिखते जाइए बस जल्दी से, 1/√2, 1/2 और 0, ओके। नाउ 1/2, क्योंकि मिडिल पार्ट तो 0 है, ये 1/√2। और अभी मैंने एक चीज़ और बोला था माइनस का, भाई ये और ये पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव, माइनस का √3/2, माइनस का 1, ओके। नाउ सेम, माइनस का √3, माइनस का 1, माइनस 1/√3, और ये 0। आप बोलोगे मैम आपने तो ये पूरा चार्ट बनाया, तो हम और क्या कैसे करें, अगर क्वेश्चन में आता है तो क्या हम भी पूरा चार्ट बनाए? नहीं भाई, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहो कि हमसे एक माइनर सी भी मिस्टेक ना हो, तो आप बना ले, तो इतना कुछ टाइम भी नहीं जाएगा। आप जल्दी जल्दी जब आपको चीज़ें लर्न हो, तो आप स्पीड से बना सकते हैं, और देन आपका क्वेश्चन जो भी है वैल्यूज देखिए, देन सॉल्व करिए। अदरवाइज आप जैसे जैसे क्वेश्चन में बार बार रिपीट करेंगे, वैल्यूज अच्छे से एकदम रट जाएंगी, टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। ना इसे देखते हैं, 1/ माइनस का 1/√3, माइनस 1, माइनस का √3, और ये नॉट डिफाइंड। इसकी बात करें माइनस का 2, माइनस का √2, माइनस का 2/√3, ये ध्यान रखिए रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आता, तो आप इसे ऐसे ना लिख दें, ऐसे मत लिखिएगा, माइनस बाहर ही लगेगा, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी आपसे, इस चीज़ का ध्यान रखें प्लीज। अगला आ जाएगा आपका माइनस का 2/√3, माइनस का √2, माइनस का 2, और ये नॉट डिफाइंड। तो ये सारी वैल्यूज आपकी हो गई हैं। अब आपको ऐसा कुछ नया नहीं करना, अब हम क्या करते हैं कि इनके क्वेश्चंस देखेंगे किस तरीके से वैल्यूज किस में लग रही हैं, और ये अपना देखते जाएंगे, जैसे कि अब आपके आप 1 से 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है और किस तरीके से वैल्यूज इसमें लगेंगी, जैसे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना है। सबसे पहले cos 30, तो चलिए cos 30 की वैल्यू देखते हैं, √3/2, सिंपल √3/2, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, साइन 60, भाई जो cos 30 की वैल्यू है वही अपनी साइन 60 की वैल्यू होगी, √3/2 प्लस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितना है, 1/2 है, इंटू cos 60,
वन अपॉन टू। तो बस अब इसे सॉल्व कर देना है, रूट थ्री का रूट थ्री में करेंगे तो थ्री, ये सारी चीज़ें तो आपको आती होंगी। अगर नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं एक इसकी भी वीडियो डाल दूंगी आप लोगों के लिए। टू टू ज़ार फोर प्लस वन टू वन वन, टू टू ज़ार फोर, एलसीएम लेंगे फोर आ गया, थ्री प्लस वन फोर अपॉन फोर, और इसका आंसर आ गया वन। तो इस तरीके से और भी आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जिससे कि ये वैल्यूज आपको आसानी से याद हो जाएं और कोई कंफ्यूजन ना हो। तो बस यही आज की अपनी वीडियो में, थैंक यू।